Hello students, last video I have complete exercise 3.3. Today we start the exercise 3.4. Now first question, solve the following quadratic equation by the method of the perfect square method. First number 3s square minus 5x plus 2. 3s square minus 5x plus 2. Find the perfect square method. परफेक्ट स्क्वायर मेथड में करना है तो फर्स्ट इज एग्जिस्ट यस या नो, ये आपको बताना है. इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इक्वेशन के साथ सॉल्व करो. ए बराबर क्या हो जाएगा? कंपेयर करोगे 3, बी इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इक्वल टू 2. देन बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी की प्लेस पे क्या आएगा? माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 3 2. 5 का स्क्वायर 25, 4 थ्री ज़ा 12 टू ज़ा 24 इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? एग्जिस्ट इट इज़ अ एग्जिस्ट एंड रियल रूट. अब इसका रूट निकालना है, कैसे करोगे? फर्स्ट एट इट इज 3s स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखोगे? 0. 2 को लेफ्ट, फर्स्ट पूरे इक्वेशन को 3 से क्या करोगे? डिवाइड. यहाँ पे जो सिंगल्स नंबर है एस स्क्वायर का, उसका कॉफिशेंट आपको क्या लेके आना है? 1. अगर 1 ऑलरेडी दिया है तो डिवाइड करने के लिए नॉट नेसेसरी. अगर 1 नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0. क्या किया? डिवाइड बाय 3. नेक्स्ट स्टेप, एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 है, उसको उस साइड लेके जाओगे क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 3. नेक्स्ट स्टेप, ऐड 1 अपॉन 2 कॉफिशियंट ऑफ x का होल स्क्वायर बॉथ साइड. दोनों साइड क्या करोगे? 1 अपॉन 2 कॉफिशियंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड करोगे. नाउ एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2 कॉफिशियंट ऑफ x क्या हुआ? माइनस 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर. क्या करोगे? दोनों साइड ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x, 5 अंजा 5 प्लस 25 6 का 36. अंडरस्टूड? इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 25 अपॉन 36. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट इसको एग्जिस्ट, ये तो आपको पता ही है. नेक्स्ट अब क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और 36 का क्या लोगे? एलसीएम. यहाँ पे 36 लेके आना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से. तो क्या हो जाएगा? माइनस 24 प्लस 25. नाउ एक्स माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 36, एक्स माइनस 5 अपॉन 6 का रूट ऑफ 1 अपॉन 36. एक्स माइनस 5 अपॉन 6 रूट को अगर रिमूव कर, स्क्वायर उस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव करो, प्लस माइनस 1 अपॉन 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6. 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन 6. नाउ एक्स माइनस 5 अपॉन 6 एक बार प्लस, एक बार क्या लोगे? माइनस. नाउ x उस साइड जाएगा, प्लस 5 6 अपॉन 6 क्या हो जाएगा? 1. और ये माइनस 5 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 6 कट हो जाएगा 2 अपॉन 3. तो x की वैल्यू क्या हुई? 2 अपॉन 3 और x की वैल्यू क्या हुई? 1. अंडरस्टूड? वापस एक्सप्लेन करिए. देखो पहले क्या करोगे, इसको एग्जिस्ट है कि नहीं है वो चेक करना है. ग्रेटर देन 0 है तो एग्जिस्ट होगा, इक्वल टू 0 है तो एग्जिस्ट होगा, लेस देन 0 तो नॉट एग्जिस्ट. फिर क्या करोगे? जो नंबर्स है
फर्स्ट कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 एक्स इक्वल टू प्लस 2 अपॉन 3, उससे जाए क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 अपॉन 2 कॉफिशेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर को क्या करोगे, ऐड करोगे बोथ साइड, इस साइड भी ऐड कर दिया और उस साइड भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, सेम थिंग 25। अब क्या लोगे, एलसीएम लोगे 25 माइनस 20 36, अब ये स्क्वायर का उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 31, 36 का 6, और फिर इसको सॉल्व करोगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। अंडरस्टूड, दिस दे आर द 7th क्वेश्चन है, सब ऐसे ही करने हैं, सब एग्जिस्ट चेक करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करके परफेक्ट स्क्वायर मेथड निकालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2nd, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द इफ़ द एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का निकालना है, जैसे फर्स्ट नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको पहले इसको क्या करोगे, एग्जिस्ट करोगे, एग्जिस्ट करने के लिए क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की प्लेस पे क्या आएगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 1, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का क्या आएगा 8, माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 2 8 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल रूट, एग्जिस्ट भी हो जाएगा और इक्वल रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। इसमें पुट करोगे b की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या आया 0 अपॉन 2, a की प्लेस पे क्या आया 2, क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4, रूट 0 का 0। नाउ अब क्या करोगे, 2 से ये कट हो जाएगा 2 ज़ा 2 से ये रूट कट हो जाएगा 1 अपॉन 2, आंसर क्या आया रूट ऑफ 1 अपॉन 2। अब रूट 1 आया लेकिन आपने क्या लिखा है, इक्वल रूट लिखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, दिस इज द स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड, समझ में आया। पहले फर्स्ट एग्जिस्ट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एग्जिस्ट है यस नॉट, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से लगाना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस प्लस माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी की प्लेस पे 2 रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया 0 इक्वल टू 0 और 2 ए की प्लेस पे 2 कट करोगे आंसर निकालोगे 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। देर इज़ अ 3.6 में भी ये 7th क्वेश्चन है, एटिट्यूज है, पहले एग्जिस्ट करके फिर इसको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, प्रॉब्लम सम्स, फाइंड द टू कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर इज द फॉलोइंग द इक्वेशन 290। क्वेश्चन नंबर 3rd, टू कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर, लेट्स टू कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर, टू कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर क्या हो गया, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसने कह रहा दोनों का स्क्वायर का प्लस, मीन्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
x प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 290. नाउ नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू 290. एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर टू एक्स प्लस सिक्स एक्स एट एक्स नाइन वन प्लस नाइन टेन इक्वल टू 290. टू एस स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस 280 इक्वल टू 0. 280 को हिस्सा लेके आओगे माइनस में, अब 2 से डिवाइड कर दो. एस स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 140 इक्वल टू 0. अब 140 का ऐसा पार्ट करो जो 4 है, तो कैसे करोगे 140 का ऐसा पार्ट? एस स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 280. एक्स बाहर निकल जाएगा, x प्लस 14 माइनस 10, यहाँ पे 140 आएगा सॉरी, x प्लस 14 और x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 14 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 10. अब इसमें दिया है पॉजिटिव नंबर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट. ये क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट. x की वैल्यू क्या हुई? 10. x तो x प्लस 1 क्या हुआ? 11. और x प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13. अंडरस्टूड? वापस एक्सप्लेन करूँ, उसने दिया टू पॉजिटिव नंबर, यानी क्या होगा? x प्लस 1 और x प्लस 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 290. x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9. इसको प्लस करोगे एंड यू गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट टू डेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The difference is square of two numbers is the 45. Less two number, equal to x and y. दो नंबर लिया अपने, एक को लिया x और एक को लिया y. उसने क्या था? Difference of square number. यानी according to question. डिफरेंस मीन्स क्या होता है? माइनस 3 मीन्स क्या होता है? एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्या दिया? स्क्वायर द स्मॉलर नंबर इज द 4 टाइम. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? जो आप सबट्रैक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलर नंबर. तो वाई क्या हुआ? स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या हुआ? वाई. और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? एक्स. अब उसने क्या बोला है? द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम द लार्जर नंबर. मतलब सेकेंड इक्वेशन क्या बनी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये वैल्यू किस में पुट करोगे? दिस इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इक्वल टू 45. तो इधर आ जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0. अब 45 का ऐसा पार्ट करो जब 4 है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45. 9 फाइव 45. देन x माइनस 9 प्लस 5 x माइनस 9 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू क्या हुआ? 9 हो गया. और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हुआ? माइनस 5. माइनस 5 क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट. और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9. अंडरस्टूड? समझने आ गया? वापस एक्सप्लेन. दो नंबर लेने हैं x एंड y. फर्स्ट दोनों का डिफरेंस दिया है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 45. फिर उसने दिया कि स्मॉलर नंबर तो y होगा, लार्जर नंबर क्या हो गया? x. तो फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. इसको सॉल्व कर लोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. डिवाइड द 16 द टू पार्ट. 16 के दो पार्ट करने हैं, तो एक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. और एक क्या हो जाएगा? 16 माइनस x. फिर उसने क्या दिया? 2 टाइम द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट. 2 टाइम द स्क्वायर, 2 टाइम का स्क्वायर यानी 2x का 2 टाइम्स, लार्जर पार्ट का स्क्वायर इक्वल प्लस 164.
ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर. अंडरस्टूड? तो टुडेज एक्सरसाइज 3.4 इज द कंप्लीट. नाउ टू होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीटेड. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.